तुर्की से भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां शनिवार को हुए दो अलग अलग भीषण सड़क हादसों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और इन दोनों घटनाओं में कुल मिलाकर करीब 50 लोग घायल हो गए। बता दें कि पहला हादसा गाजियान्टेप में हुआ, जहां एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में पत्रकारों को ले जा रही एक बस को एक यात्री बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरा हादसा यहां के मार्डिन के डेरिक जिले में हुआ, जहां बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तुर्की में दूसरी बड़ी दुर्घटना में 16 लोग मारे गए और 29 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों में 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अगला मामला बिलासपुर से सामने आया है। यहां उदलकचार रेलवे स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति स्टेशन मास्टर के कमर में तीर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बिलासपुर रेल मंडल के उदलकचार रेलवे स्टेशन में हीरा स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है। उनकी ड्यूटी सुबह 8 बजे तक थी। ऐसे में रात करीब 2:45 के करीब वे वॉशरूम से फ्रेश होकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठे, तभी अचानक कमर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। कुर्सी से उठे तो खून निकल रहा था। सामने एक तीर पड़ा था जो लगभग 3 फीट का था। बाहर निकलकर देखा तो अज्ञात आरोपी भाग रहा था, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण वे उसे पकड़ नहीं पाए। स्टेशन मास्टर ने अज्ञात आरोपी को पहचानने की बात कही है। हालांकि अभी जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही उसकी तलाश भी शुरू कर दी है।